हेलो एवरीवन, आई एम रीना मोर। आई विल टीच यू न्यू टॉपिक, मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड डिफिशेंट डिमांड। चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम स्टडी कर रहे हैं कैसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं एक्सेस और डिफिशेंट डिमांड को। एक्सेस या डिफिशेंट डिमांड हमारी बेसिकली आती कब है? जब हमारा एक्चुअल या फिर ये कहे करंट एग्रीगेट डिमांड मोर या लेस देन होता है एग्रीगेट डिमांड रिक्वायर्ड फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पर। तो ये सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं इकोनॉमी के अंदर। हमारे पास कंट्रोल करने के लिए मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड डिफिशेंट को करने के लिए गवर्नमेंट्स के मतलब हमारी बेसिकली टू टाइप ऑफ पॉलिसी बनाई गई है। फर्स्ट वन इज योर फिस्कल एंड सेकेंड वन इज योर मॉनिटरी पॉलिसी। फर्स्ट वन इज योर चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा जो भी रुपया खर्च किया जा रहा है एग्रीगेट डिमांड पर एक इम्पॉर्टेंट मेजर्स है। ये किसके अंदर आता है? गवर्नमेंट जो भी रुपया खर्च करेगी वो फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है। फिस्कल पॉलिसी मीन्स आपका एक्सपेंडिचर पॉलिसी है कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ कितना रुपया क्या करेगी बेटा स्पेंड करेगी, कि वो इस प्रोजेक्ट के अंदर इतना रुपये लगाएगा, यानी फ्लाईओवर है, रोड है, ब्रिज है, इसके अंदर यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में इतना रुपये लगा रही है कंस्ट्रक्शन, तो ये रेलवेज है, लाइन कर रही है, तो इसके अंदर क्या होता है गवर्नमेंट जो भी है चेंज इन एक्सपेंडिचर, जो इन पर खर्चे पर जो भी एक्सपेंडिचर है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है किसका? लेवल ऑफ एडी इन द इकोनॉमी। इसके द्वारा हम कंट्रोल कर सकते हैं सिचुएशन को एक्सेस एंड डिफिशेंट डिमांड इन इकोनॉमी। सेकंड वन इज योर टैक्स। टैक्स है बेटा आपका मेन सोर्स है रिवेन्यू का, गवर्नमेंट को यहीं से रुपया मिलता है। ये भी आपका फिस्कल पॉलिसी का ही पार्ट है, इसलिए हम इसको रिवेन्यू पॉलिसी भी कहते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा बेटा क्या होता है, डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्स इम्पोज किए जाते हैं। जो टैक्स इम्पोज करेंगे या तो डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट। गवर्नमेंट उस टैक्स को चेंज भी कर सकती है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करके, इसका सीधा इफेक्ट है किस पर? इसके द्वारा कंट्रोल कर सकती है किसको? एक्सेस या डिफिशेंट डिमांड को। थर्ड वन इज योर चेंज इन मॉनिटरी पॉलिसी। गवर्नमेंट के द्वारा क्या हो रहा है, मनी सप्लाई या फिर अवेलेबल क्रेडिट को इसको हम क्या करते हैं, आरबीआई। बेटा आपको पता है एपेक्स बैंड होता है, आरबीआई के द्वारा ही मनी सप्लाई की जाए इकोनॉमी के अंदर, और वही कंट्रोल करती है, वही डायरेक्शन प्रोवाइड करती है किस चीज़ के लिए, इन द क्रेडिट कंट्रोल और मनी सप्लाई। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल मनी सप्लाई के बेसिकली मॉनिटरी जो पॉलिसी वो हेल्प करती है टू कंट्रोल द सक्सेस टू द सिचुएशन ऑफ एक्सेस एंड डिफिशेंट थ्रू फ्लोइंग। फर्स्ट वन इज योर आपका क्वांटिटेटिव, सेकेंड वन इज योर क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव के अंदर कौन से होते हैं? बेसिकली मेजर इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ किए जाते हैं बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। क्वालिटेटिव के अंदर क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉरल सिचुएशन एंड सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। उसके बाद है हम स्टडी करते हैं वन बाई वन। पहले हम मेजर स्टडी करते हैं करेक्ट एक्सेस डिमांड के रिगार्डिंग, फिर हम स्टडी करेंगे डिफिसिट। एक लर्न कर लीजिए, दूसरा उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। तो फर्स्ट वन है आपका मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड वाली वो सिचुएशन है करंट एग्रीगेट डिमांड, जहां पर हमारी एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी आपकी एडी क्या है, ग्रेटर देन है किससे, एएसए। तो इससे क्या होगा, जब हमारी एडी ग्रेटर देन एएसए होगा, मार्केट के अंदर मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, राइज हो जाएगा, और जिसके कारण आपको मार्केट में क्या मिल जाएगा, आसानी से इजीली से आप क्रेडिट लेना चाहते हो, मनी रुपए लेना चाहते हो, आपको आसानी से कम दामों में मिल जाता है। तो वो सारा किसके है, एक्सेस डिमांड के। तो उसको हम जो एक्सेस डिमांड जो मार्केट के अंदर क्रिएट हो रहा है उसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट वन हम किसके द्वारा करेंगे, आप गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है कौन सी, फिस्कल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी में क्या करती है, फर्स्ट वन इज योर डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने जो भी जो खर्चे कर रही है, गवर्नमेंट जो स्पेंड कर रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग किस पे कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर और एडमिन पे, वो खर्चों को वो धीरे धीरे क्या कर देगी, रिड्यूस। जैसे ही वो एक्सपेंड भाई जो मेन है वहाँ करे, उसके अलावा खर्चों को रिड्यूस करेगी, तो क्या होने लगेगा, जैसे ही खर्चे क्या हो गए आपके कम हो गए डिफेंस और अनप्रोडक्टिव वर्क पे, तो रियली हेल्प इन ग्रोथ ऑफ कंट्री। तो जिसके कारण जैसे गवर्नमेंट के खर्चे कम हुए
रिड्यूस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, आपका एग्रीगेट लेवल कम हो जाए इकोनॉमी, जिसके द्वारा आपकी धीरे धीरे जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर इकोनॉमी का वो कंट्रोल हो जाएगा। सेकंड वन इज योर इंक्रीज इन टैक्स, आपकी जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या टैक्स रेट हम बढ़ा देंगे और गवर्नमेंट के द्वारा कुछ नए टैक्स भी क्या कर दिए जाएंगे, इम्पोज कर दिए जाएंगे, पुराने वालों की रेट बढ़ा दिए, नए और कुछ और डाल दिए, जिसके कारण जब बहुत सारे रुपये जब गवर्नमेंट के पास जाएंगे तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम क्या हो जाएगी, कम बचेगी, तो जिसके कारण डिक्रीज हो जाएगा लेवल ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का और इसके द्वारा हमारी कंट्रोल हो जाएगी सिचुएशन एक्सेस डिमांड की। अब किसके बारे में है, डिक्रीज इन मनी सप्लाई या अवेलेबल एबिलिटी ऑफ क्रेडिट। तो हमारे क्या है, दो मेजर इंस्ट्रूमेंट है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, इंक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट के अंदर हमने क्या किया है, सेंट्रल बैंक रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू द कॉमर्शियल बैंक टू मीट देयर लॉन्ग टर्म नीड। बैंक रेट वो रेट है जब सेंट्रल बैंक क्या करिए, लैंड मनी रुपये उधार दे दिए किसको, कॉमर्शियल बैंक को, किस चीज़ के लिए, लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में क्या होगा, सेंट्रल बैंक इंक्रीज देयर बैंक रेट, सेंट्रल बैंक क्या करेगी, अपने रेट को बढ़ा देगी, यानी पहले वो 5% बैंक रेट पर लोन दे रही थी, अब उसने रेट बढ़ाकर कर दिया 7% या 8%। तो जैसे ही उसने बैंक ने अपना रेट इंक्रीज किया तो उससे क्या होगा, जैसे बैंक रेट इंक्रीज करेगा तो मार्केट बैंक जो कॉमर्शियल बैंक है सेंट्रल बैंक से ज़्यादा रेट पे मिल रहा है, तो आगे कॉमर्शियल बैंक जो आम पब्लिक है उसको क्या करेगी, ज़्यादा रेट पे इंटरेस्ट रेट पे रुपये उधार देंगी बोरोइंग, तो इससे क्या होंगे, जो ब्रोअर हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे, वो लोन लेना पसंद नहीं करेंगे, और जिसके कारण वो लोन लेना पसंद नहीं करेंगे, रिड्यूस द अवेलेबल ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, और धीरे धीरे जो प्रॉब्लम एक्सेस डिमांड की वो कंट्रोल हो जाएगी। रेपो रेट क्या कर देंगे, इंक्रीज क्या कर, रेपो रेट एग्जैक्टली में होता है क्या, रेपो रेट इज द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक लैंड मनी, सेंट्रल बैंक ने क्या किया, लैंड मनी टू कॉमर्शियल बैंक टू मीट देयर शॉर्ट टर्म नीड। सेंट्रल बैंक ही देता है कॉमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए, जैसे ही आपने रेपो रेट का रेट इंक्रीज किया तो इंक्रीज हो जाएगी कॉस्ट ऑफ ब्रोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक की आपने ज़्यादा, तो जिसके कारण जो ब्रोअर है वो डिस्करेज होकर मार्केट से कम रुपया लेंगे, जिसके कारण अवेलेबल ऑफ क्रेडिट इकोनॉमी के अंदर कम होगा, कंट्रोल हो जाएगी सिचुएशन एक्सेस डिमांड की। बेटा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, रेपो रेट और बैंक रेट, दोनों के अंदर सेंट्रल बैंक लैंड मनी टू कॉमर्शियल बैंक है, लेकिन इसके अंदर लॉन्ग टर्म नीड होती है और इसके अंदर शॉर्ट टर्म नीड है, यही बेसिक डिफरेंस है। थर्ड वन इज योर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, रेफर करती है वो सिचुएशन जिसके अंदर हम सिक्योरिटीज़ को सेल और परचेज कर सकते हैं ओपन मार्केट के अंदर बाय द सेंट्रल बैंक। आपकी एक्सेस डिमांड के अंदर क्या होता है, जब मार्केट के अंदर रुपये ज़्यादा है, इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। एक्सेस डिमांड के अंदर लोगों के पास रुपये ज़्यादा, तो सेंट्रल बैंक ऑफर करती है सिक्योरिटी फॉर सेल की, सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटीज़ को सेल आउट कर रही है, और जब जैसे ही कॉमर्शियल बैंक उन्हें परचेज करती है रिड्यूस द रिजर्व, तो कॉमर्शियल बैंक ने उन्हें परचेज किया, जिसके कारण जो कॉमर्शियल बैंक के पास रुपया कम बचा, जब कॉमर्शियल बैंक ने अपने सिक्योरिटीज़ में ज़्यादा रुपये लगाए उनके पास कम रुपया बचा, तो वो आम पब्लिक तक क्या कर पाएंगे, कम रुपये दे पाएंगे, तो अपने आप ही अवेलेबल ऑफ क्रेडिट कम हो गया, डिक्रीज इन द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। फोर्थ वन इज योर इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। लीगल रिजर्व में क्या होता है, मेंटेन करना पड़ता है कॉमर्शियल बैंक को एक लीगल रिजर्व, एक डायरेक्ट मेथड होता है क्रेडिट कंट्रोल के लिए, इसके अंदर मेन टू कंपोनेंट होते हैं लीगल रिजर्व के, कैश रिजर्व रेशियो एंड SLR, CRR, क्या होता है मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का, जिसमें क्या होता है CRR के अंदर एक मिनिमम परसेंटेज कॉमर्शियल बैंक को RBI को गिवन करना पड़ता है कि भाई इतने रुपए तो कॉमर्शियल बैंक RBI को देगा ही रहेगा। SLR के अंदर क्या होता है बेटा, एक मिनिमम परसेंटेज होता है नेट डिमांड टाइम लायबिलिटीज़ का,
जो कमर्शियल बैंक को अपने पास रखने पड़ते हैं, मेंटेन देम सेल्फ, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, दोनों का रेट इंक्रीज हो जाएगा, तो जिसके कारण रुपए वो बाहर मार्केट में आम पब्लिक को कम दे पाएंगे। सेकंड वन इज योर क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव में क्या हो जाएगा, आपके मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मार्जिन रिक्वायरमेंट रेफर टू डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड एंड द वैल्यू ऑफ अमाउंट लेंड। यानी आपको सिक्योरिटी आपने क्या ऑफर की और वैल्यू ऑफ अमाउंट लेंड, वो होता है हमारा मार्जिन रिक्वायरमेंट। यानी आपने एक आपके आपने क्या हुआ, आप बैंक से लोन लेना चाहते हो, उसके बदले में आपने 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी है वो सिक्योरिटी पर्पज से दी, तो बैंक आपको ऑफर कर रहा है 7 लाख का लोन। तो वो एक्सेस डिमांड में क्या करता है, एक्सेस डिमांड के अंदर, इकोनॉमी के अंदर सेंट्रल बैंक इंक्रीज द मार्जिन, अपना मार्जिन इंक्रीज कर देता है और वहीं रिस्ट्रिक्ट कर देता है क्रेडिट क्रिएटिंग पावर ऑफ बैंक। तो जिसके कारण बैंक क्या करता है, लेस अट्रैक्टिव टू ब्रोअर मनी, वो जो ब्रोअर से मनी मिल रही है उसमें कम अट्रैक्टिव होते हैं, तो इसलिए अपने आप ही डिक्रीज हो जाता है आपका एग्रीगेट डिमांड। मॉरल सेसुएशन, इसके अंदर क्या करता है, डिस्करेज लैंडिंग, यानी लोगों को वो डिस्करेज कर रहे हैं। इसके अंदर बेसिकली दो चीज़ होती है मॉरल सेसुएशन के, एक परसुएशन होता है और एक प्रेशर, ठीक है, प्यार प्यार से कहना और फिर उस पर प्रेशर डालना। सेंट्रल बैंक दोनों ही चीज़ें अप्लाई करता है ऑन अदर बैंक पर इन ऑर्डर टू गेट, सेंट्रल बैंक या एपेक्स बैंक है वो अदर बैंक से काम करवा रहा है, तो वो दोनों ही तरीके यूज़ करता है, परसुएशन भी और प्रेशर भी। तो सबसे पहले वो प्यार प्यार से एक्सरसाइज रो उनसे उनके साथ डिस्कस करता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेटर देता है, स्पीचेस देता है, उन्हें हिंट देता है बैंक को कैसे कैसे काम करने हैं, और अगर बैंक उसके अकॉर्डिंग नहीं करता है तो उन पे पेनल्टी वगैरह लगा देता है, उनका बैंक जो कैंसिल कर देते कि आपका कोई बैंक नहीं है। तो इस तरीके से सेंट्रल बैंक एडवाइस देता है, रिक्वेस्ट करता है, परसुएड करता है, कौन से नॉट टू एडवांस क्रेडिट टू स्पेकुलेटिव या नॉन, कि आप रुपए स्पेकुलेटिव और नॉन इनिशियल एक्टिविटीज़ के अंदर लोगों को नहीं देंगे, अगर प्रोजेक्ट अच्छा होगा तो ही आप लोगों को रुपए दोगे, वरना आप कहीं कहीं लोगों को बिना बात के रुपए खर्च नहीं। सेकंड वन इज योर सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या इंट्रोड्यूस क्रेडिट रेशनिंग। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, सेंट्रल बैंक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है अदर बैंक्स को, किस चीज़ के रिगार्डिंग डायरेक्शन प्रोवाइड की है कि आप गिव और नॉट टू द क्रेडिट, आप दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो ऑफ क्रेडिट पर्पज से, ठीक है। एक सर्टेन अलग अलग सेक्टर, जैसे आपके 3 सेक्टर है बेटा, प्राइमरी सर्विस और सेकेंडरी सेक्टर, उन तीनों के रिगार्डिंग डिसाइड कर देता है कि आप इन सेक्टरों में इतने इतने रुपए लोगों को दे सकते हो, यानी ऐसे जेड एरिया के अंदर लोगों को है तो वहाँ पर आप कितने रुपए तक के लोगों को प्रोजेक्ट के लिए फर्म को कितने तक का लोन दे सकते हो, या फिर उसके अलावा डेवलपिंग एरिया तो वहाँ पर, तो ये सारा है इसको कंट्रोल करने के। तो सेंट्रल बैंक इंट्रोड्यूस करती है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्सेसिव फ्लो, जो मार्केट के अंदर एक्सेसिव फ्लो ऑफ क्रेडिट है उसको कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली किसके अंदर, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, जिससे वाइप ऑफ हो जाता है एक्सेस डिमांड। तो बेसिकली हमने इसके अंदर मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड में स्टडी किया है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के हमने गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर देंगे, टैक्सेस को इंक्रीज, मॉनिटरी पॉलिसी में आप बैंक रेट और रेपो रेट दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, सेल्स ऑफ सिक्योरिटीज़ हो रही है, इंक्रीज इन LRR है, इंक्रीज इन मार्जिन रिक्वायरमेंट है, एडवाइस टू डिस्करेज लैंडिंग, क्रेडिट रेशनिंग, ठीक है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब हम उसके बाद स्टडी करेंगे मेजर्स टू करेक्ट डिफिशेंट डिमांड। ये इसका बिल्कुल अपोजिट है। डिफिशेंट डिमांड क्या हो रहा है, जब हमारी लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी वो क्या है, लेस देन द फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी आपकी AD इज लेस देन AS है, यानी लोगों ने डिमांड कितने है मार्केट के अंदर, सप्लाई 1000 की है, लोगों ने डिमांड कितने की है, 700 की है ना। तो गवर्नमेंट क्या कर देगी, अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर देगी, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो इसके अंदर क्या होने लगा, जब गवर्नमेंट ज़्यादा रुपया खर्च करने लग जाएगी तो एक्सपेंडिचर पब्लिक वर्क में बढ़ जाएंगे, रोड फ्लाईओवर ज़्यादा बनेंगे, एडिशनल इनकम लोगों के पास ज़्यादा रुपया होगा, तो जिसके कारण इंक्रीज की एग्रीगेट डिमांड होने पर जो डिफिसिट डिमांड की सिचुएशन है वो कंट्रोल।
डिक्रीज इन टैक्सेस, डिफिशेंट डिमांड के अंदर गवर्नमेंट क्या कर देगी, अपने टैक्स रेट को कम कर देगी, जो नए इवन अबॉलिश है जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है टैक्स, उनको रिड्यूस कर देगी, जिसके कारण लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी और लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी, कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई। अब है इंक्रीज इन मनी सप्लाई या अवेलेबल ऑफ क्रेडिट के अंदर क्या होगा, देखिए आपका बैंक रेट डिक्रीज हो जाएगा, बैंक रेट डिक्रीज होने के कारण मार्केट वैल्यू फॉल हो जाएगी, जिसके कारण लोग अब क्या करने लगेंगे, ज़्यादा फंड ले रहे हैं, जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। रेपो रेट आपकी डिक्रीज हो गई है, रेपो रेट की डिक्रीज होने से आपका फॉल इन इंटरेस्ट रेट के होने से लोग ज़्यादा रुपए फंड ले रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड क्रिएट हो रही है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर क्या हो रही है कि जो RBI है अब लोगों को कह रही है कि सेंट्रल बैंक लोगों से या जितने भी कॉमर्शियल बैंक है उनसे सिक्योरिटी को परचेज कर रही है, सिक्योरिटी को ओपन मार्केट में परचेज कर रही है, जिसके कारण मनी की सप्लाई मार्केट के अंदर इंक्रीज हो गई है, परचेजिंग पावर कैपेसिटी इंक्रीज हो गई है, लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी डिक्रीज इन लीगल रिजर्व रेशो। लीगल रिजर्व रेशो में CRR का रेट क्या कर दिया है, RBI के द्वारा डिक्रीज कर दिया गया है, SLR का भी रेट डिक्रीज हो गया है, ठीक है। अब उसके बाद है क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या हो रहा है, डिफिशेंट डिमांड के अंदर बैंक ने रिड्यूस कर दिया मार्जिन, यानी 10 लाख का कोई आपने सिक्योरिटी ऑफर किए तो बैंक क्या कर रहा है 8-9 लाख रुपए तक का लोन ऑफर कर रहा है, जिसके कारण डिक्रीज होने से मार्जिन से गवर्नमेंट लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले रहे हैं अगेंस्ट सेम अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, मोर मनी क्रिएट हो रही है, लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया है। मॉरल सेचुएशन यानी इंक्रेज करें लैंडिंग, अब क्या है पहले उन पर प्रेशर डाला जा रहा था कि लोगों को लोन नहीं देना, अब उन्हें कहा जा रहा है कि आप लोगों को एडवाइस दो, रिक्वेस्ट करो, परसुएड करो कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या लें, उधार लें, लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पैसा हो, लोग चीज़ों के रिगार्डिंग सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल क्रेडिट रेशनिंग के अंदर जो लिमिट डिसाइड कर दी थी अब वो लिमिट इंक्रीज हो गई है, गिव और नॉट टू गिव क्रेडिट फॉर सर्टेन पर्पज फॉर पर्टिकुलर सेक्टर, ठीक है। तो ये है आपके मेजर्स टू करेक्ट डिफिशेंट, दो थे, फर्स्ट वन इज योर फिस्कल, सेकंड वन जो मॉनेटरी, फिस्कल के अंदर हमने गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा दिया, टैक्स को रिड्यूस कर दिया। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या है, आपके दो इंस्ट्रूमेंट है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव के अंदर हमने क्या करा है, क्वालिटेटिव के अंदर हमने डिक्रीज कर दिया मार्जिन रिक्वायरमेंट को, एडवाइस टू इंक्रीज लैंडिंग विड्रॉल क्रेडिट रेशनिंग अंडर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव के अंदर क्या क्या है, बैंक रेट घट गया है, रेपो रेट घट गया है, परचेज ऑफ सिक्योरिटी इंक्रीज हो गई है, डिक्रीज इन LRR। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगर कुछ टॉपिक नहीं समझ में आया तो बेटा आप मुझसे पूछ सकते हो मेरे पर्सनल नंबर पर। अभी के लिए साइन आउट, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ओके, साइन आउट।